नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल बालाजी ईवी टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताएंगे कि BLDC मोटर की जो हब मोटर होती है उसमें सेंसर रिप्लेस कैसे किए जाते हैं, अगर आपका सेंसर खराब है तो उनको कैसे चेक करना और कैसे रिप्लेस करना। मैंने सबसे पहले मोटर को आराम से खोल लीजिए, क्योंकि ये अप मोटर है और मैग्नेट होती है तो ऐसे पुश करने से डायरेक्ट निकलती नहीं है, तो आपको ऐसे नीचे गट्टा रख के फिर इसको ऐसे निकालना है। मीटर अब आप कंटिन्यूटी को मीटर पे कंटिन्यूटी पे रख के होल सेंसर के वायर को एक बार चेक करना है कि अपने वायर कहीं खराब तो नहीं हुए हैं या बाहर से कोई बस्ट तो नहीं हुआ है। ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें अपनी कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये वायर अपना सही है। ये भी सही है, ऐसे एक एक करके आपको सबको चेक करना है कि आपकी वायरिंग कहीं अंदर से वायर बस्ट तो नहीं हुआ, तभी आप होल सेंसर को देख पाएंगे। जो अगर वायर अंदर से टूटा हुआ है तो भी आप फिर सेंसर चेंज कर दोगे तो आपकी मोटर नहीं चलेगी, मतलब अब ये टेस्ट हो गया अपनी पूरी वायरिंग ये सही है। अब अपने को ये सेंसर आप देख सकते हो ये यहाँ से जल गया है, और ये सेंसर में ये बीच वाला और ये साइड वाला दोनों प्रॉब्लम है। अब हम आपको ये रिप्लेस करके दिखाएंगे कि इनको कैसे रिप्लेस किया जाता है, और रिप्लेस करने से पहले सबसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ये सेंसर है वैसे के वैसे दूसरे होने चाहिए। इस सेंसर में छह तरह के आते हैं, बीच वाला उल्टा, फिर बीच वाला अलग कलर का, फिर साइड वाले उल्टे, इस तरह से अलग अलग आते हैं और अलग अलग वैल्यू के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से लगे हुए हैं, वापस कौन से लगाने हैं, इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है। और इसकी प्लेट या सेंसर जो भी चाहिए ये हमारे पास अवेलेबल है आपके लिए। हाँ तो दोस्तों, अब सेंसर प्लेट को कैसे निकालना है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना है और अच्छे से इसको साफ करना है। और फिलहाल एक बात और बता दूं कि आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा वीडियो को मैंने स्किप कर दिया था ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ना देखना पड़े। अब आप इसको अच्छे से साफ भी करना है क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें फेविक्विक डाली हुई होती है तो जिसकी वजह से सेंसर काफ़ी अच्छी तरह से चिपके होते हैं तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और इसमें एक बात और भी है, अगर आप एक सेंसर ही ख़राब है तो आप एक सेंसर भी रिप्लेस कर सकते हो, पूरी प्लेट डालना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे अलग से। ये प्लेट हमारी निकल चुकी है बिल्कुल। अब हम आपको नई प्लेट लेके बताएंगे। इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो है 631N, बीच वाला N है और साइड वाले हैं 463F, और उसकी जगह अपन डाल रहे हैं 61461AN और बीच वाला 41F। ये हमारी नई प्लेट आ चुकी है। और ये सारे सेंसर है अपने पास अलग अलग क्वालिटी के और जैसे जैसे लगते हैं वैसे।
अब हम आपको नई वाली सेंसर प्लेट डाल के फिर इसको कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने सेंसर गलत कनेक्शन कर दिए तो भी आपकी मोटर जो है नहीं चल पाएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर फेरकिंग डालना है ताकि ये सेंसर अपना हिले नहीं और निकले नहीं। ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा बहुत डालना है नॉर्मल, ताकि ये सेंसर अपना यहाँ पे अच्छे तरह से चिपक जाए बस। इसी पेपर को वापस नीचे रखना है ताकि अपना सेंसर प्लेट कुछ भी शॉर्ट सर्किट ना हो, और फिर इस प्लेट को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पुश करना है। जिस तरह से इस प्लेट के कनेक्शन है आपको वैसे ही कनेक्शन नई प्लेट जो इंस्टॉल करते हो उसमें करने हैं। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना मोटर या तो आपकी नहीं चलेगी या फिर आपकी मोटर उल्टी भी चलेगी। तो जैसे कनेक्शन पहले थे वैसे ही इसमें कनेक्शन अपने को करना है। अपनी तरफ से इसमें कोई भी अलग से इंटरफेयर नहीं करना है। ये हमारी सेंसर प्लेट लग चुकी है बिल्कुल। अब हम आपको इसको फिट करके चला के भी दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए जैसे कि हमने टायर लगा दिया है
और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने की वजह से थोड़ा स्किप कर दिया था कि फिट वीट करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब आप देख सकते हो गाड़ी आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है और इसकी जो प्रॉब्लम थी हमारे बॉल सेंसर की वो निकल चुकी है। तो इस तरह से आप बॉल सेंसर डाल के गाड़ी को रिपेयर कर सकते हो। और इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका जवाब हम एक दो दिन में ज़रूर देंगे, या उस पर हो सकेगा तो हम वीडियो बना के भी डालेंगे। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर एंड लाइक कीजिए।